अगर आप भी अपना YouTube चैनल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कैसे कर सकते हैं। चेंज करने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि YouTube चैनल का लोगो और बैनर चेंज कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में तीन चीज बताने वाले हैं। पहला, जो YouTube चैनल का नेम चेंज कैसे करे, दूसरा, चैनल का लोगो चेंज कैसे करे, और तीसरा, यूट्यूब चैनल का बैनर चेंज कैसे करे। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। और भाई, अगर जो आप यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करते हैं तो आपका YouTube चैनल भाई 1 से 2 घंटे के अंदर आपका YouTube चैनल सर्च में आने लगेगा। किस तरह से चैनल के नाम चेंज करना, क्या सेटिंग करना, उसमें कुछ सेटिंग भी करना रहता है, जिससे कि भाई YouTube को पता चले कि इसमें नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, और उसके बाद जब कोई आपका चैनल सर्च करता है तो सबसे ऊपर में आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साइड में मेरा फोन स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। तो भाई, आपको जो नेम चेंज करना है वो यहाँ से नहीं करना, पहले आपको दिखा देते हैं। भाई, कुछ लोग आते हैं और यूट्यूब को ओपन करते हैं, और यूट्यूब ओपन करने के बाद भाई लोगो पे क्लिक करके, जो भाई ये पेंसिल का आइकन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पेंसिल का आइकन, भाई कुछ लोग इस पे आ करके क्लिक करके और यहाँ से जो नाम है वो चेंज कर लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे भी चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। भाई, यहाँ से आपका YouTube चैनल का तो नाम चेंज हो जाएगा, बट आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आएगा। तो भाई, सर्च में लाने के लिए कहाँ से चेंज करना है, तो उसके लिए आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर पे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज लेने के बाद भाई यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं YouTube.com, या तो फिर आपका लोगो आ रहा है तो सिंपल आपको लोगो पे क्लिक कर देना। तो चलिए, यहाँ पे मेरा लोगो आ रहा है तो यहाँ से हम लोगो पे क्लिक कर देते हैं। जैसा ही लोगो पर क्लिक किया, आपका जो YouTube चैनल है वो डेस्कटॉप साइज में ओपन हो जाएगा। अगर जो डेस्कटॉप साइज में ओपन नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे दिख रहा होगा 3 लाइंस, ठीक है ना, आपको इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेस्कटॉप साइज, ठीक है ना, आपको इस पे टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ पे आपका देख लीजिए YouTube चैनल जो है वो डेस्कटॉप साइज में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से कॉर्नर में देखिएगा तो आपका चैनल का लोगो दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी वहां पे जाते हैं। चलिए यहाँ से हम लोगो पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। लोगो पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे आएगा व्यू योर चैनल, ठीक है ना। तो आपको व्यू योर चैनल पे क्लिक करना है। जैसा ही व्यू योर चैनल पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा कस्टमाइज चैनल, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसा ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपका YTS स्टूडियो वो डेस्कटॉप साइज में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो YTS स्टूडियो वो डेस्कटॉप साइज में ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद भाई कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ध्यान से देखना है नीचे में, ठीक है ना, नीचे से दूसरे नंबर पे ये वाला, ठीक है ना, ये कस्टमाइज, इसको कस्टमाइज बोलते हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लोगो है, तो आप लोगो को ध्यान से देख लीजिए, ये वाला लोगो, ठीक है ना, नीचे से दूसरे नंबर पे आपको इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा लेआउट, दूसरा मिलेगा ब्रांडिंग, और तीसरा मिलेगा बेसिक इन्फो, ठीक है। तो आपको बेसिक इन्फो का जो ऑप्शन मिला है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना। चलिए यहाँ से बेसिक इन्फो पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद भाई जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे हैंडल दिख जाएगा, ठीक है ना। तो आपको चेंज करना तो सिंपली आपको टच करना और इसको कर देना कट, ठीक है, मतलब एडिट कर देना, और जो आप अपने चैनल के नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं टिप्स जोन, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम टिप्स जोन लिख दिए, और उसके बाद यहाँ पे जो हैंडल है ना ये भी आपको चेंज कर लेना, क्योंकि जो आपको हैंडल मिलेगा वो पुराने चैनल के अनुसार मिलेगा, बट यहाँ पे आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं और इसका जो हैंडल है वो भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, @ रहने देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टिप्स जोन, ठीक है, स्पेस आपको नहीं देना है, और डाल के देखते हैं ये अवेलेबल नहीं, तो ये नहीं है, तो अपने मन से भाई कुछ और आ गया, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं 0.1 डाल देते हैं। चलिए यहाँ से आ जाते हैं और 0.1 डाल देते हैं, ठीक है ना। डालने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर साइड कॉर्नर में पब्लिक का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक कर देना। चलिए यहाँ से हम पब्लिक पे क्लिक कर दिए। जैसा ही आप पब्लिक कर दीजिएगा, पब्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो चेंज हो गया। देख लीजिए यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम चेंज हो गया, और यहाँ पे जो मेरा हैंडल है वो भी चेंज हो गया। अब भाई इसमें एक सेटिंग करना है, तभी आपका यूट्यूब चैनल सर्च में सबसे टॉप पे आएगा। अगर जो आप ये सेटिंग को नहीं करते तो आपका यूट्यूब चैनल सर्च में टॉप पे नहीं आएगा। तो सेटिंग क्या करना वो बता देते हैं। यहाँ पे आप नीचे में कॉर्नर साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आपको भी हम जूम करके दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सेटिंग का
ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे चैनल का एक ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे जो कीवर्ड है, जितना भी यहाँ पे आपको कीवर्ड दिख रहा है ना, ये सारा जो जितना भी ये कीवर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सबको आपको चेंज करना है। जो यहाँ पे आपको पहले से कीवर्ड है उसको चेंज करना है, क्योंकि भाई ये जो कीवर्ड है ना, ये आपका पहले वाला है, जो आपके पुराने चैनल का नाम है वो है। अगर जो नहीं है तो आप यहाँ पे कीवर्ड डाल लीजिए, अगर जो आपका पहले से भी कीवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे डाल लीजिए, ठीक है ना। इससे भी आपका YouTube चैनल सर्च में आ जाएगा। जो मेरा नया वाला YouTube चैनल नेम है उसका कीवर्ड डाल लेते, तो पहले इसको जितना भी कीवर्ड है इसको हटा लेते, चलिए इसको डिलीट कर लेते, ठीक है ना। चलिए हट गया। अब भाई जो आपका YouTube चैनल का नाम है वो डाल लीजिए। जो मेरा नया वाला चैनल का नाम है वो है टिप्स जोन। तो भाई सबसे पहला जो मेरा टैग होगा वो होगा टिप्स जोन, ठीक है। चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं टिप्स जोन, ठीक है ना, जोन। चलिए तो ये मेरा पहला हो गया। अब दूसरा डाल लेते हैं टिप्स, सब कैपिटल में डालना है, ठीक है ना, टिप्स जोन। चलिए ये भी हो गया। अब भाई पहले जोन को आगे करते हैं और टिप्स को पीछे कर देते हैं, इसी तरह से आपको लगाना। और इसमें एक दो कीवर्ड आप गलती भी डाल दीजिए, ठीक है ना, ताकि कोई गलत भी सर्च करे तो आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आ जाए। चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं जोन टिप्स, ठीक है ना, यहाँ पे डाल लिए हैं। और इसके बाद भाई अब कुछ गलत डाल लेते, ठीक है ना, TIPS JONE, ठीक है, जोन। कुछ गलत भी आपको डालना। और एक चीज और इम्पोर्टेंट बात, जो आपका पुराना चैनल के नाम है भाई वो भी यहाँ पे आप एक दो डाल दीजिए, ताकि कोई पुराना भी सर्च करे ना तो आपको नया वाला चैनल वहां पे आ जाए। तो अभी हम पुराने वाले चैनल्स का जो नाम है वो हम डाल देते हैं। तो मेरा पुराना वाला चैनल्स का नाम था क्रिएटर विकास। और एक चीज आप गौर कीजिएगा भाई, ये चीज हम अपने ओरिजिनल चैनल पे करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया चैनल बना करके। तो भाई ये बिल्कुल रियल और जेन्युइन है, इसीलिए भाई मैं अपने चैनल पे करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए यहाँ से डाल लेते हैं क्रिएटर विकास, क्रिएटर विकास, ठीक है ना। चलिए डाल लिए हैं। और इसी तरह से आपको जो कीवर्ड है वो डाल लेना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे 500 कीवर्ड्स डाल सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा, आप अपने चैनल के 500 कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जिसमें हम अभी 65 कीवर्ड डाल लिए। डालने के बाद भाई यहाँ पे नीचे में यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से सेव पे क्लिक कर देते हैं। चलिए सेव पे क्लिक करने के बाद भाई ये जो है वो सेव हो गया है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से चले आना अपने डैशबोर्ड पे। अब भाई आपको बताते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भाई फिर से आपको आ जाना कस्टमाइज पे, यानी कि जो अभी ये सेटिंग बताए थे उस पे आ जाना है, ठीक है ना। आने के बाद भाई यहाँ पे ब्रांडिंग पे चले आना है। और ब्रांडिंग पे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, जो सबसे यहाँ ऊपर में दिख रहा है ना, ये भाई आपका लोगो का हो गया। और जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिख रहा है ना, ये भाई आपका बैनर हो गया, जो लोगों के पीछे बैनर रहता है ना वो बैनर। तो सबसे पहले हम यहाँ से लोगो चेंज कर देते हैं, यहाँ चेंज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से परमिशन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं और अपना जो लोगो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए आ जाते हैं और तो जो मेरा YouTube चैनल का लोगो है वो यहाँ पे मिल गया और इसको अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से टिक किए हैं और यहाँ पे लोगो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से डन का ऑप्शन है, यहाँ से डन कर देते हैं। डन करने के बाद देख लीजिए जो मेरा लोगो है वो यहाँ पे लग गया, ठीक है ना। उसके बाद भाई बैनर चेंज करना है, तो बैनर जो चेंज करना है उसके लिए भाई यहाँ पे आ जाना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं चेंज पे और बैनर को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी भाई यहाँ पे देख लीजिए सेलेक्ट करने का आ गया और जो मेरा बैनर बना वो बिल्कुल परफेक्ट बना। क्योंकि भाई कुछ लोग क्या करते हैं ना, बैनर बनाने के तो बना लेते हैं, ठीक है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बनाने के बाद भाई जो साइज होता है ना वो थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, मतलब कोई साइड वाला है वो कट जाता है या तो फिर ऊपर का वो कट जाता है। अगर जो आपके इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए कि YouTube चैनल बैनर कैसे बनाते हैं, आपको हम वे भी बता देंगे कि YouTube चैनल बैनर कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसके बाद यहाँ से हम कर लेते हैं डन। डन करने के बाद भाई जो मेरा बैनर है वो भी यहाँ पे चेंज हो गया। चेंज होने के बाद देख लीजिए यहाँ पे एक वाटर मार्क आता है, जो वीडियो को साइड कॉर्नर में आप देखिएगा कि वाटर मार्क आता है। अगर जो आप वो भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज करके वो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाइए। चलिए हम यहाँ पे जो पुराना वाला है वो लगाए हुए थे तो इसको कर देते हैं रिमूव, ठीक है। रिमूव करने के बाद भाई यहाँ पे आपको कर देना है पब्लिक, ठीक है। यहाँ से पब्लिक पे जैसा ही आप क्लिक कीजिएगा ना, तो जो आपका लोगो और बैनर है दोनों चेंज हो जाएगा। अभी हम आपको यूट्यूब में जा करके
दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको YouTube ओपन कर लेते हैं और नाम भी चेंज किए वो भी बताएंगे और जो लोगो लगाए वो भी बता रहे हैं, ठीक है। हम अपने प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए जो नाम है वो चेंज हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, और चले जाते अपने चैनल पे। तो चैनल पे आने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा लोगो भी चेंज हो गया, नाम भी चेंज हो गया और बैनर भी लग गया। तो इसी तरह से आप अपने YouTube चैनल में कस्टमाइज जो भी करना है, नाम चेंज करना या तो फिर लोगो चेंज करना या फिर बैनर चेंज करना, आप कर सकते। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं किसी जल्द वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।